हेलो फ्रेंड्स, ये करवा चौथ की पूजा विधि है। इसमें करवा माता की और शिव परिवार की पूजा की जाती है। इसमें हम करवे चढ़ाते हैं। मैंने इसमें दो करवे लिए हुए, एक करवे में मैंने गुलगुले और मिठाई रखे है और करवे में मैंने कलावा बांधा हुआ है, स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ है, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, और मैंने उसको चावल से उसको ढका है और उसके ऊपर दिया रखा है घी का, बायना निकाला है, बिंदी, और मैंने एक चौकी बना के इसके ऊपर करवा रखा था मिट्टी का, जिसमें सिंघा वो है, गुलगुले है और मिठाई है, और एक में मैंने पानी भर के रखा हुआ है जिसमें चावल, फूल, सिक्का, चीनी उसमें मैंने डाले हुए हैं, और मैंने इनमें कलावा बांध दिया है और दोनों में मैंने कलावा बांध के उस पर स्वास्तिक का निशान बनाया था। और करवा की कथा है, और मैंने माता को फल ये सब भोग में मैंने माता को चार चार बार करके माता को चढ़ाए है। मैंने सिंदूर भी रखा है, बिंदी सुहाग का सामान रखा हुआ है मैंने, और कहते हैं कि ये जो बिंदी होती है आप इसे प्रसाद के रूप पे अगले दिन लगाइए, सिंदूर को पूरे साल लगाइए, माता का आशीर्वाद मिलता है इससे। हम चंद्रमा के आने का वेट करते हैं रात में, और जो इस करवे में जल होता है उसे हम अर्घ देते हैं चंद्रमा को देख के। चार बार राउंड काटते हैं, जैसे कि एक बार आप घूमे तो आपने जल ज़मीन पे चढ़ाया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर दिया वहाँ पे रख देते हैं और फिर पति का पूजन किया जाता है, तब हम